इतिहास में बहुत कम लोग मार्कस ऑनरेलियस जितने महान हैं। वह न केवल एक शक्तिशाली रोमन सम्राट थे बल्कि एक गहरे विचारशील स्टोइक फिलोसोफर भी थे। वो रोमन सम्राट और स्टोइक फिलोसोफर थे। उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने न केवल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की बल्कि अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से लोगों को नैतिकता और न्याय का मार्ग भी दिखाया। उन्होंने अपनी डायरी मेडिटेशनस में अपने विचार लिखे जो आज भी हजारों साल बाद भी प्रासंगिक हैं। इन लेखों में उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने गहन विचार साझा किए जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। ऑनरेलियस के शब्द हमें जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं, खासकर न्यायपूर्ण और सदाचारी जीवन जीने पर जोर देते हुए। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रख सकते हैं। न्याय पर उनके सबसे प्रसिद्ध कथनों में से एक है, अब और समय बर्बाद मत करो इस बात पर बहस करते हुए कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, जाओ और एक बनो। यह कथन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों के माध्यम से न्याय और सदाचार को अपनाएं। यह सरल लेकिन शक्तिशाली कथन न्याय के लिए स्टोइक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह सैद्धांतिक बहसों के बारे में नहीं है बल्कि हमारे विचारों और कार्यों में न्याय को शामिल करने के बारे में है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि न्याय केवल एक विचार नहीं है बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। ऑनरेलियस के शब्द एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि सच्चा न्याय भीतर से निकलता है। यह हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है जो हमारे बाहरी कार्यों में प्रकट होता है। यह पहुंचने का गंतव्य नहीं है बल्कि आत्म सुधार की एक सतत यात्रा है जो हमारे कार्यों को सही की हमारी समझ के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने और अपने नैतिक मूल्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है। यह आंतरिक फोकस न्याय की स्टोइक अवधारणा की आधारशिला बनाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा न्याय केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी पाया जा सकता है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति लाने के लिए प्रेरित करता है। स्टोइकिज्म एथेंस के चहल पहल भरे बाजार में पैदा हुआ एक प्राचीन दर्शन न्याय पर एक अलग और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह दृष्टिकोण न केवल न्याय की परिभाषा को समझने में मदद करता है बल्कि इसे हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है इस पर भी प्रकाश डालता है। कुछ दार्शनिक स्कूलों के विपरीत जो अमूर्त परिभाषाओं में तल्लीन है, स्टोइकिज्म न्याय को एक सजीव और व्यावहारिक अवधारणा के रूप में देखता है। स्टोइकिज्म ब्रह्मांड के ताने बाने में न्याय को आधार देता है। यह मानता है कि न्याय ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। स्टोइक्स के लिए ब्रह्मांड एक तर्कसंगत और उदार शक्ति लोगोस द्वारा शासित होता है जिसे अक्सर प्रकृति या ईश्वर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। यह लोगोस ही है जो ब्रह्मांड में हर चीज को एक उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। यह दिव्य तर्क सभी चीजों में व्याप्त है और यह सुनिश्चित करता है कि हर चीज एक निश्चित क्रम और सामंजस्य में कार्य करे। एक प्राकृतिक व्यवस्था स्थापित करता है जो यह निर्देशित करता है कि मनुष्य सहित सब कुछ कैसे कार्य करना चाहिए। यह व्यवस्था हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कार्यों को ब्रह्मांड के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप कैसे ढालना चाहिए। स्टोइक दृष्टिकोण में न्याय मानव रचना नहीं है बल्कि इस प्राकृतिक व्यवस्था का एक अंतर्निहित हिस्सा है। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि न्याय केवल कानूनी या सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है बल्कि यह ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह इस भव्य ब्रह्मांडीय योजना में हमारे स्थान को पहचानने और इसके सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के बारे में है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को ब्रह्मांड के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप कैसे ढालना चाहिए। इसका अर्थ है सभी चीजों की अंतर संबंधात्मकता को पहचानना और यह स्वीकार करना कि हमारे कार्यों के परिणाम हमारे तात्कालिक स्व से परे हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कार्यों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। स्टोइकिज्म के अनुसार न्यायपूर्वक जीने के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना होगा। यह सामंजस्य हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज की निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है। इसके बजाय यह प्राकृतिक व्यवस्था को समझने
और अपने कार्यों को उसके सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के बारे में है। इसमें उन चीजों को स्वीकार करना शामिल है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, बाहरी घटनाएं, दूसरों के कार्य, जबकि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे अपने विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं। अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करके हम ज्ञान, न्याय, साहस और संयम जैसे गुणों को विकसित करते हैं। स्टोइक कार्डिनल गुण। ये गुण हमारे मार्गदर्शक सितारों के रूप में कार्य करते हैं, जो हमें सत्यनिष्ठा और उद्देश्य के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने में सक्षम बनाते हैं। स्टोइक ढांचे में न्याय व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। यह केवल बाहरी आचरण नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक नैतिकता का प्रतिबिंब है। जब हम न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं तो हम अपने तर्कसंगत स्वभाव के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से दिव्य लोगों से जुड़ा होता है। यह हमें एक उच्चतर नैतिकता की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह संरेखण आंतरिक शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देता है। एक ऐसी स्थिति जिसे स्टोइक्स ने अपथिया कहा है, जिसका अनुवाद अक्सर शांति या समता के रूप में किया जाता है। अपथिया का मतलब है कि हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। यह शांति भावनाहीन होने के बारे में नहीं है, बल्कि विनाशकारी भावनाओं से मुक्ति प्राप्त करने के बारे में है, जो हमारे निर्णय को धूमिल करते हैं और अन्यायपूर्ण कार्यों की ओर ले जाते हैं। यह हमें एक स्पष्ट और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। न्यायपूर्ण व्यवहार करना हमारी सत्यनिष्ठा को पुष्ट करता है। हमारे तर्कसंगत स्वयं और ब्रह्मांड के नैतिक ताने बाने के साथ हमारे संबंध को मजबूत करता है। यह हमें एक गहरे नैतिक उद्देश्य की भावना देता है। यह हमारे सिद्धांतों के अनुसार जीने के बारे में है, तब भी जब हम विपरीत परिस्थितियों या प्रलोभन का सामना कर रहे हों। यह दृढ़ता और साहस की मांग करता है, लेकिन अंततः यह हमें एक सच्चे और पूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। स्टोइक न्याय की अवधारणा व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा से परे सामाजिक सद्भाव को शामिल करने के लिए फैली हुई है। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे कार्य अनिवार्य रूप से हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं तो वे एक न्यायपूर्ण समाज में योगदान करते हैं। स्टोइकिज्म विश्वव्यापीवाद के महत्व पर जोर देता है। यह विचार कि सभी मनुष्य एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय सीमाओं, सांस्कृतिक अंतरों और सामाजिक पदानुक्रमों को पार करता है। हर व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य को पहचानता है। दूसरों के साथ निष्पक्षता, सम्मान और दयालुता का व्यवहार करके हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया को बढ़ावा देते हैं। न्याय वह आधारशिला बन जाता है जिस पर हम मजबूत और सामंजस्यपूर्ण समुदायों का निर्माण करते हैं। ज्ञान, न्याय, साहस और संयम के स्टोइक गुण नैतिक दुविधाओं को नेविगेट करने और न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करते हैं। ज्ञान हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है, हमारे कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करता है। न्याय हमें दूसरों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है। सामाजिक प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत लाभ की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देता है। साहस हमें अपने सिद्धांतों पर कार्य करने का अधिकार देता है, तब भी जब विपक्ष या प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है। संयम हमें अपनी इच्छाओं और जुनून को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे कार्य क्षणिक भावनाओं के बजाय तर्क द्वारा निर्देशित हों। इन गुणों को विकसित करके हम एक मजबूत नैतिक दिशा विकसित करते हैं, जो हमें न्यायपूर्ण और नैतिक विकल्पों की ओर ले जाती है। एक आधुनिक दुविधा की कल्पना करो। आप देखते हैं कि आपका एक सहकर्मी आपके काम का श्रेय ले रहा है। अन्याय का यह कार्य क्रोध, आक्रोश और प्रतिशोध की इच्छा की भावनाओं को जगाता है। आप अपने सहकर्मी को बेनकाब करने के लिए ललचाते हैं, संभावित रूप से उनके करियर को खतरे में डालते हैं और कार्यस्थल के भीतर और कलह पैदा करते हैं। स्टोइकिज्म इस दुविधा से कैसे निपटेगा? स्टोइकिज्म हमें रुकने और अपनी भावनाओं की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। क्रोध, जबकि समझ में आता है, हमारे निर्णय को धूमिल कर सकता है और ऐसे कार्यों की ओर ले जा सकता है जिन पर हमें बाद में पछतावा हो।
आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय स्टोइकिज्म हमें स्थिति में तर्क और निष्पक्षता लागू करने की सलाह देता है। उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के स्टोइक सिद्धांत को लागू करते हुए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम अपने सहकर्मी के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, हालांकि हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। बदला लेने के बजाय हम अपने योगदानों को सावधानी पूर्वक प्रलेखित करना चुन सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत है। हम अपने सहकर्मी के साथ एक शांत और तर्कसंगत बातचीत करने पर भी विचार कर सकते हैं, इस मुद्दे को सीधे संबोधित कर सकते हैं और उचित समाधान की तलाश कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण न्याय और साहस के स्टोइक मूल्यों के साथ संरेखित है। यह स्थिति का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होने पर निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा की मांग करता है। इस कार्यस्थल की दुविधा का समाधान हमारे दैनिक जीवन में स्टोइक न्याय के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर प्रकाश डालता है। यह दर्शाता है कि न्याय हमेशा भव्य इशारों के बारे में नहीं होता है, बल्कि छोटी छोटी परिस्थितियों में भी नैतिक विकल्प बनाने के बारे में होता है। न्याय का प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी तुच्छ क्यों न लगे, एक लहर प्रभाव पैदा करता है जो एक अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया में योगदान देता है। लगातार न्याय का चयन करके हम अपनी खुद की सत्यनिष्ठा को मजबूत करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, एक अधिक गुणी चक्र को बढ़ावा देते हैं। एक होने का मार्कस ऑनरेलियस का आह्वान एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि न्याय एक निष्क्रिय अवधारणा नहीं है, बल्कि एक सक्रिय खोज है। यह हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों को सही की हमारी समझ के साथ संरेखित करने के बारे में है, तब भी जब चुनौतियों या प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। स्टोइकिज्म को अपनाना हमें एक न्यायपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक रूपरेखा प्रदान करता है। स्टोइक गुणों को आत्मसात करके, हम जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर कार्य करके, हम आंतरिक शांति की भावना पैदा कर सकते हैं और एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया में योगदान कर सकते हैं। अन्याय और कलह की विशेषता वाली दुनिया में स्टोइक दर्शन आशा की किरण और कार्य करने का आह्वान प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी में अपने विचारों और कार्यों से शुरू करते हुए न्याय के एजेंट बनने की क्षमता है। आइए हम अपने दैनिक जीवन में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और करुणा के स्टोइक आदर्शों को मूर्त रूप देने का प्रयास करें। न्याय को हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत बनने दें, दूसरों के साथ हमारी बातचीत और दुनिया के प्रति हमारे योगदान को आकार दें। न्याय की खोज एक सतत यात्रा है और चुनाव करना हमारे हाथ में है। आइए हम बुद्धिमानी और साहस से चुनाव करें।